हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए और सुबह के बाद चुके हैं 6:30। व्यू अल्टीमेट है, हल्की हल्की सी रोशनी आई हुई है अभी तो। और भैरव बाबा की सीढ़ी थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो सीढ़ियाँ जो हैं वो 200 मीटर सीधी है। बाकी चलते हैं, अब तो लिफ्ट वाला भी सिस्टम है तो शायद हम लोग लिफ्ट से ही जाएँगे, क्योंकि नीचे से ऊपर 14 किलोमीटर पैदल आया था तो लिफ्ट से ही जाने वाला हूँ। और मैं एक बात बता दूं आपको कि 5 बजे से 8 बजे तक आरती होती है दोनों टाइम, तब मंदिर का जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है। और भीड़ कुछ इस तरीके हम देख 8 बजे खुलेगा। हाँ, और फिर 8 बजे खुलेगा मंदिर। तो अभी जो आप ये व्यू देख रहे हैं पीछे का, ये भैरव बाबा की चढ़ाई है, काफ़ी सीधी है, सीढ़ियाँ भी हैं दोनों चीज़ें, और ये लोग पीछे आ रहे हैं। और इस साइड का भी अल्टीमेट है कुछ इस तरीके का, पीछे लिफ्ट भी लगी है, लेकिन चल सकते हैं आराम से ऊपर। और पीछे का ये लिफ्ट वाला देख सकते हो आप, उस पर हल्की हल्की सी धूप आ चुकी है और वो नीचे मंदिर है माता का, देख सकते हैं ये व्यू है, मज़ा आने वाला है भाई। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और जो भैरव बाबा की चढ़ाई है ना वो थोड़ी सीधी है, आप देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल सीधी है चढ़ाई, ऊपर लोग किस तरीके से चढ़ रहे हैं, पीछे देख सकते हो पूरी ढलान है। बट ठीक है, व्यू अल्टीमेट और थोड़ी ठंडक भी है। अभी तो मैंने कुछ नहीं लगाया, आगे चल के देखता हूँ। आप व्यू देखो पीछे का, और हल्की हल्की सी जो धूप होती ना पहले वो तो पहाड़ों पे आके पड़ती है, शायद आपको दिख रहा हो वो पहाड़ चमकता हुआ शायद। ये यहाँ पर लोग इसीलिए आने से डरते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा थक जाओगे आप। ऊपर देखो खच्चर भी चलता है और ये वाला लिफ्ट वाला सिस्टम भी हो गया, अब दिख नहीं रहा अभी, आप आगे देखा है जो आपने वही है, आप उससे भी आ सकते हो, सिर्फ 100 रुपये किराया बस वो जा रही है नीचे। हाँ, कम लोग ही आते हैं सीढ़ियों से बट आते चलो। और वो देखो पर्वत ऐसा लग रहा है जैसे वो सोने का पर्वत हो पूरा, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। हल्की हल्की धूप आई हुई है ना अभी, तो ये देखो पर्वत किस तरीके से जैसे चमक रहे हैं जैसे कोई सोना हो। और यहाँ बंदर बहुत हैं तो सावधान। तो आप व्यू देख सकते हो पीछे का कुछ इस तरीके का आएगा दादा, पूरा पीछे का व्यू देख सकते हो आप। पीछे वो चॉपर के लिए है जो कि हेलीपैड, अगर जो आप हेलीकॉप्टर से आते हो उस साइड पे उतार देगा आपको, देन पूरी सीढ़ियाँ तो पैदल ही चलनी पड़ेगी। और इस साइड का व्यू देख सकते हो, मेरे साथ वाला तो अभी कोई आया नहीं, आता होगा बट ये देखो आप पीछे का अल्टीमेट भाई। अभी हम लोगों को जाना कहाँ है, उस साइड जो आप देख रहे हो ना उस साइड, काफ़ी दूर है अभी, 200 सीढ़ियाँ बोलते हैं कि खड़ी है, खड़ी चढ़ाई होगी, देखते हैं जाके वहाँ पर क्या होता है, होगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सीढ़ियाँ ले रहा हूँ जल्दी आने के लिए, देख लेते हैं वो भी सीढ़ी। मज़ा तो यही लोग ले रहे हैं, आना आप लोग सीढ़ियों से ही और उतरना इससे, यार उतरने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपने आप चले जाओगे, इतनी ढलान है ना इन सीढ़ियों में तो बस आप उतरते हुए चले जाओगे, लेकिन आना सीढ़ियों से, चढ़ने में इसमें भी दिक्कत है, सीढ़ियों में भी दिक्कत है, लेकिन सीढ़ियाँ पास पड़ेंगी, कम चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रुक रुक के आप चढ़ सकते हो आराम से। और व्यू देख सकते हो आप अल्टीमेट भाई, बाहर का व्यू देख लो। और इसको इस तरीके से बनाया गया है, पूरा कवर्ड है, बारिश वारिश हो तो कोई दिक्कत ना हो, इस देखो एक पेड़ लगा हुआ है ऊपर। तो चलते हैं आगे, यहाँ से वैष्णो देवी का रास्ता है, यहीं से बैग उठानी है और फिर चलेंगे, एक मंदिर और भी है जिसमें गुफा के अंदर जाया जाता है, वहाँ चल के देखते हैं
क्योंकि वो आने में भी पड़ा था लेकिन तब नंबर नहीं लग पाया था हम लोगों का। नंबर उसने पर्ची दे दी है और अब जाके नंबर लगाना है। ये देखो अब कितनी ढलान है यहाँ से। तो व्यू देख लो आप, अल्टीमेट है, बट आप इसे उतर सकते हो, चढ़ नहीं सकते हो। कहाँ से हार गए हम लोग इतनी स्पीड में, और ये लोग अभी चढ़ रहे हैं।